Hello students, I am Ajay Deol from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now start the next concept of class plus 1 physics. Okay, aaj hum class plus 1 physics ka next concept discussion karenge. So I hope you understand. Okay, so let's start this concept. So chalo humne next concept hai relation between conservative force and potential energy of the system. The system hai uski total potential energy aur conservative force ke beech mein humne relation find out karna maan lo. Okay, given lete hain, let kar lete hain. Maan lo aapke paas kya hai, fx koi force hai, fx कोई फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लग रही है, पर ये बॉडी यहां से चलकर इतने डिस्टेंस यहां आ जाती है. ओके, ये इसने डेल्टा x क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कर दी. ओके, उसी डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो वर्क डन क्या होगा, आपको पता है क्या होगा वर्क डन, डेल्टा w. ओके, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट fx * डेल्टा x आ जाए. ओके, मैसेज आपको पता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस डेल्टा w. ओके, वो w के अपोजिट होती है, पोटेंशियल ग्रेविटेशन की ग्रेविटी लग रही है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो खींचती है उसको, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं हमेशा. ओके, तो ये आप हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्क के अपोजिट होती है. चलो देखो, क्योंकि आप मान लो, ये देखो मैं आपको फॉर एग्जांपल, आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जा रहे हो तो आप वर्क ऊपर की तरफ करवा रहे हो, बट ग्रेविटी तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है ना, वो कह रही है कि नीचे ही जा, नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, तो ये हो जाता है. तो चलो अब आप डेल्टा जो u होगा w की वैल्यू पुट करना, वहां पे क्या आ जाएगा, fx * डेल्टा x हो जाएगा. ओके, यहां से अगर आप fx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा u / में डेल्टा x आ जाएगा. ओके, अब ये आपके पास कांसेप्ट है. अब हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, मान लो कि डेल्टा x बहुत छोटा सा ही मूव किया, तब भी हमारी फोर्स कितनी रहेगी, हमने डेल्टा अप्रोचेस टू 0 मतलब बहुत ही वेरी स्मॉल हमने डेल्टा x कर दिया, या तब भी कोई फोर्स लगेगी. तो चलो हम निकालते हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करते. ओके, तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कर दिया और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते. ओके, अब आपके पास माइनस साइन तो है, तो माइनस को वैसे तो वैसे लिखो. अब बहुत ज्यादा स्मॉल के लिए जो डेल्टा ना रहकर वो यूज हो जाता है करली, इसको करली बोलते हैं. ठीक है, यहां पे करली वर्ड यूज, करली u / में करली x, ये तो x वाली साइड हो गया. अगर मान लो मैं वही जो फोर्स है y डायरेक्शन में लगाता तो क्या हो जाता, fy क्या हो जाता, माइनस करली u / में करली y हो जाता. अगर वही फोर्स मैं z डायरेक्शन में लगाता तो वो क्या हो जाता, माइनस करली u / में करली z हो जाता, ये हो जाती फोर्स. अब तीनों डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, तो टोटल जो फोर्स रहेगी दैट इज f क्या हो जाएगी, i कैप x डायरेक्शन के अंदर प्लस j कैप y डायरेक्शन के अंदर प्लस k कैप z डायरेक्शन के अंदर. तो ये तीनों जो डायरेक्शन के साइड होंगे ये ऐड हो जाएंगे. अब हमने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यू पुट करके इनको ऐड करना. चलो वैल्यू पुट करो, f is equal to the i, वैसे का वैसे fx की वैल्यू क्या है, माइनस कर ली u / में कर ली x प्लस y, j वैसे का वैसे माइनस कर ली u / में कर ली y प्लस k वैसे का वैसे. ओके, तो माइनस कर ली u / में कर ली z. ओके, अब इन सभी से u कॉमन ले लो, f क्या देखो माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं, सभी के पास है माइनस करली बाय में करली एक्स. ओके, माइनस को मैंने लिया, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा प्लस करली बाय में करली वाई जे कैप प्लस करली बाय में करली जेड के कैप हो जाएगा. ओके, तो यू हमारा कॉमन आ गया, ये कर लोगे. अब इन सभी को एक साइन लिखते हैं, वो साइन याद रखना दैट इज द डेल ऑपरेटर. ओके, उल्टा डेल्टा होता है, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं. ओके, तो यू माइनस होते हैं. ओके, तो ये आ जाएगा, मैं आपको बता
बता देता हूँ कि डायल ऑपरेटर किसको हमने बोला, ये डायल ऑपरेटर क्या था, करली बाय में करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय में करली वाई जे कैप प्लस करली बाय में करली जेड के कैप। ओके, दिस इज दी इज कॉल्ड द डायल ऑपरेटर, इसको डायल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स क्या आ गया। ओके, हम ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है। ओके, हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मैथमेटिकली मैथमेटिकली ओके हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को हमने वी एक्स ओके डिफाइन कर दिया, और फोर्स आपको पता है क्या होती है, जो फोर्स इज इक्वल टू द एफ एक्स, एफ एक्स। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी क्या आ जाएगी, माइनस कर ली वी बाय वे कर ली एक्स हो जाएगा, या अब अगर थोड़ा सा इसको बड़ा लेकर चलते तो माइनस डी वी बाय में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से कॉन्सेप्ट एक अनदर कॉन्सेप्ट बना सकते हो, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक हमने फोर्स अप्लाई की, एफ एक्स डी एक्स इसके साथ लग गया इज इक्वल टू माइनस, और जो पोटेंशियल हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी वी आई से लेकर वी तक कर दी, तो यहाँ पे डी वी लग गया। ओके, तो ये डी एक्स मैंने उसके साथ लगा दिया, ये डी एक्स मैंने इसके साथ लगा दिया। ओके, और इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, जो एफ फोर्स रहेगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज वी आई माइनस वी एफ आ जाएगी, क्योंकि पहले तो वी एफ लेते माइनस, बट मैंने माइनस वो साइन हटाने के लिए वी आई माइनस वी एफ ले लिया। कहने का मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के। ओके, तो यहाँ से तक हमारा ये कॉन्सेप्ट आई थिंक कम्प्लीट हो चुका। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे से। तो ये अच्छे से आपने क्या करना, रिवाइज करना है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूछिए, थोड़ी सी न्यू टर्म्स जरूर आई हैं, नई टर्म्स हैं तो आप डिस्कशन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।